लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अब एक्शन मोड में है। कांग्रेस पार्टी ने एक साथ गुजरात के 2024 के चुनाव के लिए मजबूत तैयारी करने के मकसद से प्रदेश राजनीतिक मामलों की समिति चुनाव समिति के साथ 10 जिलों के जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को गुजरात में शक्तिशाली बनाया जा सके। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से अभी कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। जून में प्रदेश अध्यक्ष के कमान संभालने के बाद पार्टी ने राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल को कमान सौंपी थी। इसके बाद राज्यसभा के सांसद मुकुल वासनिक को गुजरात का प्रभारी बनाया गया। वासनिक और शक्ति सिंह गोहिल की अगुवाई में कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूती देने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है, गुजरात में पार्टी इस समय सबसे कमजोर स्थिति में है। पार्टी के पास विधानसभा में नेता विपक्ष का आधिकारिक ओहदा भी नहीं है। पार्टी के विधानसभा में सिर्फ 17 विधायक है, जबकि लोकसभा की 26 में से कोई भी सीट पार्टी पिछले 2 चुनाव से नहीं जीत पाई। ऐसे में पार्टी ने 2024 को ध्यान में रखते हुए गुजरात के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और इलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है। इनमें कोई भी चौंकाने वाला नाम नहीं है, पर पार्टी ने तमाम पुराने नेताओं को ही कमेटी में रखा है। संगठन के लिहाज से जरूर पार्टी के कुछ पूर्व विधायकों को संगठन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसमें कुछ ऐसे नाम है जो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड लहर में काफी कम वोटों से हारे हैं। इन नेताओं की व्यक्तिगत छवि काफी अच्छी है, जिसका लाभ कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के गढ़ गुजरात में कांग्रेस को शक्ति देने के लिए शक्ति सिंह गोहिल लगातार प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले गोहिल संगठन के तमाम पदों पर युवा और अनुभवी नेताओं का सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विधायक स्तर के नेताओं को जिला अध्यक्ष की कुर्सी सौंप कर कई चेहरे बदल दिए हैं। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि कांग्रेस आला कमान ने गोहिल को फ्री हैंड दे रखा है, जिससे वह संगठन में अपने हिसाब से बदलाव कर सके और राज्य में पार्टी की वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।